भल्ला साहब, मैं बाजार जा रही हूँ जी, घर का राशन पानी खत्म हो गया है, मैं जाके अभी लेके आती हूँ सब। ओए चुप करके बैठ जा, पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते। आ, मैंने कई दिनों के खाने पीने का बंदोबस्त कर लिया है, तो बस फ्रिज खाली करके रख। हैं? आपने खाने का बंदोबस्त कर लिया है? हाय हाय, वो कैसे? हेलो वाला अंकल, बंदूक निजी आपसे डंका और ढोलकी के सबूतों की फाइल के बारे में बात करने आई है। भला साहब, उम्मीद है कि फाइल रेडी होगी, वो मंडे को लेकर कोर्ट आ जाना। ओ जी बंदूक निजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप तो बस बैठ जाओ जी, मैंने आपके लिए खाने का बहुत सामान मंगवाया है। ओ जी क्या क्या मंगवाया है ये तो बता दो। तंदूरी चिकन, भुना गोश्त, एक बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन दो प्याजा, 20 बटर रोटी, 20 बटर नान। अरे क्या क्या मंगवा लिया, इतना कौन खाएगा है? गुड आफ्टरनून सर, ये रहा आपका पार्सल और ये बिल 2000 रुपए हुए। ओहो बंदूक निजी, लगता है मैं अपना पर्स घर पे ही भूल गया। आज आप बिल पे कर दो, अगली बार पक्का मेरी तरफ से पार्टी। अरे चल ठीक है भले। ये है मेरे पति कंजूस मक्खी चूस, कितनी चुलाकी से नाटक करके बंदूक निजी से पैसे दिलवा दिए। हाय हाय, इनका कुछ नहीं हो सकता। चल जाओ जाओ, किसी को बताना मत। ओए बल्ले बल्ले, देखा मेरी लकी सीढ़ी का कमाल, कितने पते की खबर पता चली है। हमारे खिलाफ सारे सबूत यहीं पर है, भल्ला के पास। बल्ले बल्ले, वो कौन है? मैं गुलाब का फूल और मैं गेंदे का। ओ अच्छा अच्छा, कौन था चाचू? ओ कोई नहीं पतीजे, वो गुलाब का और गेंदे का फूल थे। हैं? रे बावड़ी पूछ, फूल भी बात करते हैं के? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे अरे, कौन हो तुम दोनों, दंदनाते हुए मेरे ऑफिस में घुसे जा रहे हो? We are from Income Tax. आपके ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है, सारी फाइल्स खोलकर टेबल पर रखो। क्या इनकम टैक्स रेड? पर सर, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से तो हमारा खर्चा चलता है। ओए पल्ला सर, ये सब क्या हो रहा है? ये लोग इनकम टैक्स की रेड मारने आए हैं। भल्ला अंकल, इनकम तो आपकी कुछ है नहीं, तो इनकम टैक्स की रेड कैसी? और यही तो मैं कब से इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। भल्ला, ज्यादा हल्ला किया तो तुमको भी अपने साथ ले जाएंगे। हमको ऑर्डर्स मिले हैं तुम्हारी एजेंसी में रेड मारने के, जो भी फाइल्स छुपा के रखी है बाहर निकालो जल्दी। ये क्या, ये लोग इनकम टैक्स ऑफिसर्स तो लगते नहीं, फाइल्स को ठीक से पढ़ तक नहीं रहे, बस एक एक पेज खोलकर देखकर वापस रख रहे हैं। चाचू कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग इनकम टैक्स ऑफिसर्स हो ही नहीं सकते, इनकी सच्चाई पता लगाने का मेरे पास एक आइडिया है। अब आएगा मजा। हेलो इनकम टैक्स कमिश्नर सर, मैं A1 डिटेक्टिव एजेंसी से बोल रहा हूँ, आपके ऑफिसर्स हमारे यहाँ रेड मारने आए हैं, हम लोग चाह रहे थे कि आप भी आकर इन्वेस्टिगेट करें। चीचे, जल्दी से यहाँ से निकल लो, इनकम टैक्स कमिश्नर आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। ओके एवरीबॉडी, अभी हमारे जाने का टाइम हो गया है, बाकी की छानबीन हम लोग कल करेंगे। पर सर, इतनी जल्दी कैसे इन्वेस्टिगेशन हो गयी? बच्चे हमें हमारा काम मत सिखाओ, हमने कहा ना कल आएंगे, मतलब कल, जाने दो हमें। छोड़ दे, छोड़। कहाँ भाग रहे हो? Hmm?
है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अब मैं बताऊं, आ जा, हम सब तेरे स्वागत के लिए बैठे हैं, वेलकम करूं। रख कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई ना बच सके है। ओए, ओए, ये क्या कर दिया मैंने? अरे घूमने वालों, अब घूमने का नहीं एक्शन का टाइम है। चल भतीजे। क्या बात है जिज्जे? May I come in? Come in. Hello, Mr. Bhalla. आपका ऑफिस बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर है, इसलिए हमने इस प्लेस को म्यूजियम बनाने के लिए चुना है। But you don't worry, आपको इस जगह के बदले हमने फंटूस नगर टावर में पूरा का पूरा 18 फ्लोर अलॉट किया है। फंटूस नगर टावर में तो बड़े बड़े ऑफिसेस हैं। मेरी डिटेक्टिव एजेंसी का ऑफिस वहाँ होगा, तो मेरी एजेंसी और मेरा दोनों का रुतबा कितना बढ़ जाएगा। ऊपर से फ्री नया ऑफिस, मैं तैयार हूँ। गुड, वेरी गुड, पर आपको अभी वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। हम अपने साथ ट्रक भी लेकर आए हैं, आप अपने ऑफिस का सारा सामान उसमें लोड कीजिए। आपको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको एक्स्ट्रा 50 लाख रुपए भी देंगे। क्या 50 लाख? ये लो। See you in the new office. Bye. ओ जी पल्ला सर, सुनिए तो। अरे मैं जल्दी में हूँ, बाद में बात करेंगे। ओ सर, वो डंका टोलकी की सबूतों की फाइल किधर है जो बंदूकनी जी को देनी है? अरे वो मैंने शिफ्ट करा दी है। शिफ्ट? हाँ, मेरे नए ऑफिस में। अरे अब भल्ला का ऑफिस इस गली में नहीं, फंटूस नगर टावर के 18th फ्लोर पे होगा। कल से मुझे वही रिपोर्ट करना। ये जगह मैंने वो म्यूजियम बनाने के लिए दान कर दी है। एक मिनट भल्ला सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, फंटूस नगर टावर तो सिर्फ 17 फ्लोर्स तक ही है, तो फिर 18 फ्लोर आपका कैसे हो सकता है? क्या 18 फ्लोर है ही नहीं? हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। ट्रक भी वो लोग लेकर भाग गए। मैं तो लुट गया। भल्ला सर, मुझे लगता है जो चोर आपके पीछे पड़े हुए हैं, उन्होंने ही आपको उल्लू बनाकर एजेंसी का सारा सामान चुरा लिया है। पर उनको चाहिए क्या? कहीं ये चोर डंका और ढोलकी तो नहीं जो फाइल के पीछे पड़े हैं? हेलो बंदूक जी। स्टीयरिंग संभाल, मैं अभी पीछे जाकर अपनी फाइल ढूंढ कर आता हूँ। और ढोल के मिल गई। बंदूकनी जी, आगे रोड पर एक पुल है, आप शॉर्टकट लेकर पुल के उस तरफ पहले पहुंच जाओ, हम लोग पीछे से इनको रोकेंगे। ठीक है।
जिसके नसीब में जितना होगा उसको उतना ही मिलेगा। हाथ ऊपर कर लो, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। ओए रुको, कहाँ भाग रहे हो? हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। तुम परवाले के नाम पे दे रहे। अरे तूने सही कहा, तो ये डंका और टोलकी ही है। अरे यार जिज्जे, तुम्हारी टाइमिंग भी अजीब है। अभी भागो यहाँ से, नहीं तो जेल में भीख मांगनी पड़ेगी। चलो। और रुक जा रुक जा, कानून के हाथ और बंदूक की निकलात से कोई ना बच सके है। नतीजा क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। फंटूशी नगर में है दो मत वाले, दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले। से पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। ओए चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा।